सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि दुबे लाइफस्टाइल। और आज है डांडिया और आज मैं करने वाली हूँ मेकअप। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी फुल फेस में, देन उसके बाद से प्राइमर लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का। आप देख सकते हो ये प्राइमर मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर है। मैं अच्छे से पूरे स्किन में मॉइस्चराइज करूँगी, प्राइमर करूँगी, देन उसके बाद इसमें गैप रखती हूँ मैं मॉइस्चराइज़र और प्राइमर के बीच में 2-3 मिनट्स का। तो फिर उसके बाद मॉइस्चराइज करने के बाद, प्राइम लगाने के बाद, आप देख सकते हो कितना ही अच्छा ग्लो दे रहा है। फिर मैं शुगर का ये लगाऊंगी क्रीम, फाउंडेशन स्टिक है जो एक्चुअली क्या है ना, डांडी आप करते हो तो उसमें बहुत स्वेटिंग वगैरह होता है, तो मैं आज वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ मेकअप करके बताने वाली हूँ। बहुत जल्दी फटाफट करूँगी। कुछ जो क्लिप मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, आप देखिए कितना मैंने ये लगाया हुआ अच्छे से। और मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मिक्स करूँगी एक दूसरे में अच्छे से। इसको मिलाने में कम से कम 5-10 मिनट्स लेगा। तो एंड देन उसके बाद मैंने आप मिला लिया, आप देख सकते हो। अब मैं इसके बाद मैक का थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से ग्लो दे। इन दोनों फाउंडेशन और स्टिक के बीच में 2-3 मिनट का मैं गैप रखती हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप मैक का फाउंडेशन में अच्छे से पूरा फेस में उसको ब्लेंड करती हूँ। आप देख सकते हो ये सिर्फ मैं बेस बताई हूँ आप लोगों को ताकि वो जो बेस है वो बहुत अच्छा खिल के दिखे। डांडिया में बहुत स्वेटिंग होता है, ये मेरा बेस है सिर्फ। आप बेस देखिए, फाइनल लुक देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे वाह। फाइनल लुक एवरीबॉडी। एंड अभी मैं ड्रेसअप करके आती हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह सब करके आती हूँ, फिर मैं आप लोग को अपना लुक दिखाऊंगी। तब तक के लिए सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप देखिए यहाँ पे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैंने आँखों को एकदम स्मोकी बनाया हुआ था और डांडिया नाइट्स था तो मुझे अच्छा दिखना था। आँखों पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया हुआ था। मैं बता दूँ यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है वो, उसको भी मैंने रेडी किया हुआ था। जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इसलिए मैं कुछ क्लिप ऐड नहीं कर पाई। एंड देन उसके बाद मेरी सिस्टर चली गई थी मार्केट वो कोटी लेने के लिए, क्योंकि डांडिया नाइट्स था तो हमें वैसा लुक क्रिएट करना था। एंड देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये डांस कर रहे हैं, एक स्टेप में ही कर रहे थे लोग। क्योंकि क्या है ना, मैंने वॉइस म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट का भी सीन आ जाता है ना, तो इसके लिए यहाँ पर डीजे बज रहा था और बहुत इंजॉय कर रहे थे। अभी तो थोड़ा पब्लिक कम है बट आफ्टर समटाइम्स जो है ना पब्लिक बहुत ही आ जाती है और फिर इतना भीड़ हो जाता है, इतना क्राउडेड हो जाता है, पूरी सोसाइटी के लोग आ जाते हैं। और हमने यहाँ पे किया माता रानी का दर्शन। फिर उसके बाद से आप देखिए, ये देखिए कितना ही प्यारा डांस हो रहा है। सब अपना अपना ग्रुप बना के डांस कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग भी अपना ग्रुप बनाएंगे और फिर डांस करेंगे यहाँ पे। मैं और दीदी और दीदी के फ्रेंड्स सब मिलके अच्छे से डांस कर रहे हैं। दीदी फोटो लेने में एकदम बिजी है, मैं वीडियो क्लिप लेने में। एक्चुअली सॉन्ग्स म्यूट कर दिया तो थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, लेकिन हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारा लुक देख के ना सभी बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा, मतलब आपने कहाँ से रेडी हुए हो, आप लोग ट्विंस लग रहे हो, एक जैसा मेकअप, एक जैसा ड्रेस। बस वो पैंट मेरा जो था वो स्कर्ट टाइप हो गया था और दीदी का थोड़ा सा पैंट स्टाइल हो गया था। डांडे का आप देखिए दीदी का पैंट बहुत ही अच्छा लग रहा था। दीदी जाके तुरंत फटाफट मार्केट गई और फटाफट लेके आई हम दोनों के लिए ड्रेस। हम लोग गए रेडी हुए, फिर अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। फुल नाइट जो है वो डांस कर रहे थे। 11 o'clock तक ये डांस चलेगा अभी डांडिया नाइट्स। हम यहाँ पे ग्रुप बना के और इतना डांस कर रहे थे, हमें इतना अच्छा लग रहा था। हम अपना स्टेप फॉलो कर रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। सबको मेरा लुक इतना पसंद आया ना, उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा करते हो मेकअप, ऐसा कहीं से सीखा है आपने, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं इतना डांस कर रही थी ना, मैं एकदम से स्वेट, सबको पसीना पसीना हो गया था, लेकिन मेरा जो है ना मेकअप बिल्कुल ही एकदम से फेड नहीं हुआ था। मैं आपको लास्ट वीडियो क्लिप कुछ ऐड करूँगी जो डांस करने के बाद आप देखिएगा कि एकदम से मेकअप है ना वैसे का वैसे ही, जैसे मैं आपको प्रीवियस में स्टार्टिंग क्लिप में दिखाई थी। हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना मस्ती किया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बहुत अच्छा एंजॉय किया। यहाँ पे सब परफेक्ट डांस करते हैं। ये देखिए छोटी बच्ची ना, ऐसा लग रहा था ये फुल लॉन डांडिया लुक में आई थी, कितनी क्यूट सी लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो ड्रेस था, इनका जो हेयर स्टाइल था, इनकी मम्मी ने, और इनका जूता देखिए आप, कितना ही प्यारा जूता इन्होंने पहना है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये डांस भी काफ़ी अच्छा कर रही थी डांडिया नाइट्स में। इनको जो है प्राइज़ वगैरह सब मिला था। और आप देख सकते हैं ये मेरा लुक आफ्टर डांस करने के बाद, इतना डांस करने के बाद। मैं आपको इसलिए क्लिप दिखा रही हूँ कि आप देखिए मैंने जो मेकअप किया हुआ है वो कैसा दिख रहा है, इतना डांस करने के बाद जो है कितना ही अच्छा एकदम उभर के मेकअप आया है। और थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ निकला वगैरह है, मैंने बहुत डांस किया, बहुत, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे दीदी का भी देखिए, सारे दीदी के फ्रेंड्स सब हम लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे थे। हमें
बहुत अच्छा लग रहा था। सबका जो लुक है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लुक करके आए थे। एक्चुअली आज वाइट थीम था बट सब ने अपना अपना ड्रेस अपने अकॉर्डिंग पहना था ना। आज से 3-4 दिन डांडिया चलेगा तो 3-4 दिन हम लोग फुल ऑन मस्ती और मूड में रहेंगे। और यहाँ पे सब अपना अपना स्टेप बता रहे थे और हम उसको फॉलो कर रहे थे। सबका वन बाय वन करके स्टेप आ रहा था, वो अपना इजीएस्ट स्टेप बता रहे थे और हम उसको कॉपी करके डांस कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब फुल ऑन डांडिया था तो अपना अपना स्टेप हम लोग कर रहे थे। ऐसे हम लोग डांडिया के साथ में नहीं खेल रहे थे, हम लोग अपना ही डांस कर रहे थे बहुत। क्योंकि वो उसमें क्या होता है ना कि आप फ्रीली डांस कर सकते हो। डांडिया में क्या होता है, कुछ कुछ स्टेप रहते हैं जो कुछ लोग को आता है कुछ लोग को नहीं आता है। और मैं यहाँ पे अपना लुक दिखा रही हूँ, इतना देखो मैंने बहुत डांस किया, इतना डांस किया, इतना स्वेट जो भी है आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे ना उतना इफ़ेक्ट नहीं आया है। मेरा मेकअप भी है ना एकदम से ऐसा निकल नहीं रहा है डांस, इतना डांस होने के बावजूद भी। मैं ग्रुप में भी डांस कर रही थी और मैं आप लोग को क्लिप ये दिखा भी रही थी कि आप लोग देखो और बताओ कि मेरा लुक जो है वो कैसा लगा। मैं डांडिया वाली के जैसे लग रही थी, डांडिया नाइट्स के जैसे कि नहीं। मेरी सिस्टर का भी लुक बहुत ही अच्छा, और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इतना डांस करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं आपको अपना पूरा मेकअप दिखा रही हूँ। यहाँ तक अभी तक निकल नहीं रहा है डांस करने के बाद, डांस करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं मेरा मेकअप वैसे का वैसे ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रात को 12 बजे का क्लिप है और मैं फिर अभी जा रही हूँ मेकअप रिमूव करने।